लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द एसएससी सीजीएल 2018 क्रैक की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम नंबर सिस्टम देखेंगे। आज नंबर सिस्टम में मैं ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं जिसका नाम है यूनिट डिजिट। आज जो है सेकेंड टॉपिक है नंबर सिस्टम में आपको कंप्लीट कराऊंगा नंबर ऑफ जीरो, यानी अगर हिंदी बोलें तो शून्यों की संख्या। और इस तरह से नंबर सीरीज का ये पार्ट थ्री सेशन है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस वजह से लेके चल रहा हूँ कि आपका टीयर वन और टीयर टू दोनों कंप्लीट हो जाए। और सबसे मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या कि ये सेशन बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी के भी क्वेश्चन हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों भाषाओं में लिखी हुई है क्वेश्चन। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज का हिंदी क्या होता है, शून्यों की संख्या। तो देखो सबसे बड़ी चीज है कि शून्यों की संख्या का मतलब क्या है। जैसे देखो हमारे पास 10 है, शून्य कब आएगा, या तो हमारे पास 10 हो, 100 हो, इस तरह से हो, यानी कि 1000 हो। अगर मैं बोलूं कि 10 में शून्यों की संख्या कितनी होगी तो 10 में शून्यों की संख्या कितनी है, एक। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, एक। अगर 100 में बात करें, 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इस तरह से हमें निकालना है। 1000 में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो यहां पे दिख रहा है ना 100 में कितना है नंबर ऑफ जीरोज, अपने से सोचो 2 है, और 1000 में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 3 है। तो इस तरह से क्यों ऐसा, तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, तो हमने कर लिया, बट हमें कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है उसका बेस हम जानते हैं। देखो कोई भी एक जीरो बनाने के लिए, कोई भी फॉर एग्जांपल ये 10 है, 10 में कितना नंबर ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या कितनी है, एक है, क्योंकि यहां दिख रहा है। कोई भी एक जीरो बनाने के लिए कितना चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 और 5 से ही मिलकर 10 बनेगा, या तो देखो 5 और 4 से भी 20 बन सकता है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा, लेकिन ये 4 को भी तो 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी एक जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए, यानी कि 2 और 5 के फॉर्मेशन से ही क्या बनता है, जीरो बनता है, यानी कि 2 और 5 के फॉर्मेशन से क्या बनेगा, हमारे पास जीरो बनेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रख लेना है। तो हमें कहीं भी नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या माइंड में हिट करना चाहिए, 2 और 5 का देखना पड़ेगा कि क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 10 है, तो 10 में 2 और 5 का फॉर्मेशन कैसे बनेगा, 2 × 5। ठीक है, अगर मैं इसी को मान लेता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेता हूं तुमको 100 है, 100 को कैसे लिख सकते हो, 25 × 4, और 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर, और 2 को 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपके पास 1000 है, तो 1000 है तो क्या होता है, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 125 × 8। ठीक है, 125 × 8 कितना होता है, 1000। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखो तो इसको क्या लिख सकता हूं, 125 को लिख सकता हूं 5 का क्यूब, और 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब। क्यों मैं 2 और 5 में लिख रहा हूं, क्योंकि हमें एक शून्य बनाने के लिए, एक जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए 2 और 5 का। यहां तक ये बेसिक था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ जीरोज, तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोज के लिए ना नंबर ऑफ 2s देखा जाता है। 2s का मतलब क्या है कि कितनी बार 2 आया है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 लिखा हुआ है, इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार। और नंबर ऑफ 5s, नंबर ऑफ  5s देखा जाता है। नंबर ऑफ 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, यानी कि दोनों का पेयर देखते हैं, लास्ट में क्या देखते हैं, पेयर, कितना बार 2 और 5 का पेयर बनाएगा, तो कितनी बार बनेगा, 1 ही बार बनेगा। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या, तो यहां पे हो जाएगी 1। अगर उसी तरह ये तो दिख रहा था ना 100 में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितनी है, 2, लेकिन हमें बेसिक चीज की नीड है। अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो इस 100 वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2s, नंबर ऑफ 2s, 2s कितनी बार आया, देखो 2 कितनी बार आया है, यहां पे देखो 2 बार, 2। नंबर ऑफ 5s, नंबर ऑफ 5s मतलब 5 कितनी बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, तो 2, यानी कि पेयर कितने बार बनेगा, 2 और 5 का पेयर कितनी बार बनेगा, यानी कि 2 बार बनेगा, यानी कि यही जो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो, यानी यहां में 100 में कहेगा नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, जैसे 1000 में हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ 2s का पेयर चाहिए, 2s का पेयर कितना है, 2s कितना है, 2 कितनी बार आया, 3 बार। और उसी तरह नंबर ऑफ 5s कितनी बार आया है, 5s 3 बार आया है, तो कॉम्बिनेशन पेयर कितना बनेगा दोनों का, 2 और 5 का पेयर कितनी बार बनेगा, 2 और 5 का 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, यानी कॉम्बिनेशन 3 का बनेगा, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी,
नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, थ्री। या तो देखो 1000 था तो देख के तो पता चल रहा था कि इसमें नंबर ऑफ जीरो तीन होगा, बट बेसिक की नीड थी कि यहां याद रख लेना कि एक जीरो बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, दो और पांच का कॉम्बिनेशन चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? जैसे देखो क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, हमें जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, दो एंड पांच का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, यानी कि दो और पांच से हमें मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, क्वेश्चन कर रहा है गुणनखंडों के गुणनखंडों के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। दिया हुआ है क्वेश्चन ऐसे कि दोनों देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम क्वेश्चन है, तो आपको जो देखना है जिसको जो सूटेबल लगता है वो अपना देख सकता है। देखो तो दो वे कर सकते हो, एक तो क्या वे है बेसिक चीजें क्या कि मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जितना आएगा उसमें जीरो देख लेंगे कितना जीरो है, बट हम हर जगह तो ऐसा नहीं कर सकते ना। जैसे देखो 5 × 7 = 35, 35 दूनी कितना हो गया 70, 70 नवा 9 × 7 = 63। देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक बार आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, सिंपल अगर जो बेसिक स्टूडेंट होंगे सिंपल कर लेंगे कि 5 × 7 = 35, 35 × 7 = 70, 70 × 9 ये रहा गया 9 × 11। अब देखो 70 × 9 कितना हो 9 × 7 = 63 × 11, 63 में 11 का मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल कर लो ऐसे, 3 को 3 लिख दो, इसको ऐड कर दो 6 × 3 = 9 और फिर 6 को ऐसे लिख दो, यानी ये कितना आ जाएगा 6930। अब देखो इसमें कह दिया कि नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो देख रहा है ना कि कितना है, एक जीरो है, लो बस। तो इसका तो आंसर तो आ गया कि एक जीरो है, लेकिन क्या हम इस तरह से करेंगे हर, अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है तो क्या हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे, नहीं। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक जीरो बनाने के लिए, एक जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, टू एंड पांच का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो अपने से सोचो, सिर्फ पांच कितनी बार आया है, एक बार, यहां पे दो कितनी बार आया, एक बार। अगर मैं ऐसे बोलूं कि नंबर ऑफ 2s कितनी, 2s कितनी बार आया है, तो एक बार आया है। नंबर ऑफ 5s यानी कि पांच कितनी बार आया है, तो एक बार। बाकी इनमें तो ना पांच आएगा ना ही एक दो आएगा, इसमें भी ना तो पांच आएगा क्योंकि 9 को ब्रेक करेंगे तो 3 × 3, हमें तो इन सबसे मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए दो और पांच। 11 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को तो ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो तुम सोचो यहां पे अब मैं बनाता हूं, हमें चाहिए क्या, दो और पांच का पेयर। दो और पांच का पेयर कितना बनेगा, दो एक बार आया है और पांच एक बार आया, तो पेयर कितना बनेगा, एक ही बार बनेगा, यानी यही जो पेयर आता है वो कहलाता है क्या, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, वन। और या तो आप सिंपल वे से मल्टीप्लाई करके कर लेते कि 6930, लेकिन ये चीजें हम कब तक करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हो, बट हर हमें यूज करना है क्या, ये वे यूज करना है। और मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे, हिंदी वाले हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए भी लिखा है। तो देर नहीं करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अब जैसे देखो इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम जीरो के लिए, तो वहीं सेम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 12, 27, 63, 133, 1250, 24, 650। इसको पूरा को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो हम एक एक स्टेप्स आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। जैसे 12 है, 12 में क्या हमें चाहिए, क्या जीरोज के लिए हमें चाहिए टू और पांच का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन यानी पेयर चाहिए। तो देखो 12 है, पहले हम 12 को लिख लेते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, आप सोचो, देखो हमें चाहिए दो और पांच, तो 4 × 3 लग सकते हैं, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 27, 27 में तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 27 में ना तो 2 आएगा ना ही 5 आएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। 63, 63 में क्या कभी 2 और 5 आएगा, देखो 27 को क्या लिख सकते थे, 3 का क्यूब, तो हमें 3 से तो मतलब ही नहीं है ना, सिर्फ 2 से मतलब है। 63, 21 × 3, इसमें भी कभी 2 और 5 नहीं आएगा, तो इससे भी मतलब नहीं है। 113, 113 से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें भी ना तो 2 आएगा ना ही 5 आएगा। लेकिन अब आती है 1250, तो 1250 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 125 × 10, फिर क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो 125 × 10 को 5 का क्यूब इंटू, इसको 5 का क्यूब मैंने लिख दिया, 10 को भी लिख सकते हैं क्या, 2 × 5, क्योंकि हमें चाहिए क्या, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो देखो 5, 3 और 1 कितना हो गया, 4 × 2^1, 1250 का भी काम हो गया। अब आता है बात 24 की,
24 में देखो, 24 का मतलब क्या है, 8 इंटू थ्री, 24 में 8 इंटू थ्री, हमें तो 2 से मतलब है, तो 2 का क्यूब इंटू थ्री, 24 को हमने इस तरह से लिख दिया, 650। 650 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, 650 को लिख सकते हैं 13 इंटू 13, 5 65, 50। अब देखो 13 इंटू 50, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 5 इंटू 2 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ये मैं एक बार ब्रेक करना सिखा रहा हूँ इतनी, क्योंकि मैं पूरा चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। तो देखो 13 इंटू क्या हो गया, 5 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखो हमें चाहिए क्या था, मैंने बोला था कि नंबर ऑफ 2s चाहिए, नंबर ऑफ 2s चाहिए कि 2 कितनी बार आया है। तो आप देखो 2 कितनी बार आया, यहाँ पे देखो 2 बार आया है, 2, 2 के बाद आगे बढ़ते हैं इन, इसमें तो आया ही नहीं है 2, तो इसको निगलेक्ट कर दें। अब इसमें 2 कितनी बार आया है, 1, तो 2 और 1 3, और 3 3 6, 6, और यहाँ पे देखो इसका हमने ये फैक्टर कर दिया, 6 और 1 कितना हो गया, 6 और 2 पे पावर 1 है ना, तो 6 1 कितना हो गया, 7। यहाँ तक समझ में आ गया, जैसे देखो अगर किसी को फिर से नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने कैसे कर दिया। ठीक है, देखो फाइनली देखो यहां पे देखो 2 कितनी बार आया है, 2, यहां पे देखो 2 की, देखो इन तीनों में तो आया ही नहीं 2, तो इन तीनों को निगलेक्ट कर दें। अब देखो 1250 का फाइनली हमने लिखा ये आंसर है, ये बताओ इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और इसमें देखो 2 कितनी बार आया है, 24 में 3 बार, और इसमें देखो फाइनली 650 का फाइनल हमने ये लिखा, इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 पे पावर 1, 2 का मतलब क्या है, 1 बार। तो देखो 2 1 3 3 3 6 6 और 1, 2 पे पावर 1 होगा ना, तो 6 1 7, यानी कि 2 नंबर ऑफ 2s, 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया। अब हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ 5s, 5s कितनी चाहिए, नंबर ऑफ 5s, देखो 5 कहां पे है, यहां पे इन तीनों में तो है ही, इन में तो 5 है ही नहीं। अब यहां पे देखो 1250 का ये है, यहां पे 5 कितनी बार आया है, 4 बार, यहां पे तो आया ही नहीं है 5, यहां पे देखो 5 कितनी बार आया है, फाइनली वाले में देखो 5 कितना बार, 2 बार, यानी कि 4 और 2 कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब ये बताओ हमें चाहिए क्या, 2 और 5 का क्या चाहिए, पेयर चाहिए। अब ये बताओ कितना पेयर बन सकता है 2 और 5 का, 6 ही पेयर बन सकता है ना, क्योंकि एक तो ये इसमें ज्यादा है ना, तो हमें पेयर के लिए कोई भी, फॉर एग्जांपल एक पेयर के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, 2 क्वांटिटी चाहिए। तो 2 अगर इसमें देखो 6 है तो 6 ही पेयर बन सकता है ना, 7, क्योंकि अगर इसमें 7 होता तो 7 पेयर बन जाता, 5 होता तो 5 ही पेयर बनेगा, यानी जितना कम रहेगा उतना ही पेयर कम बनेंगे, क्योंकि देखो पेयर 2 और 5 का पेयर बनाना है। तो 2 देखो मैं बोलता हूं, देखो 1 5 आया है 5 6 बार और 2 आया है 7 बार, तो देखो पेयर कैसे बन सकता है, 2 5 1 बार, 2 5 2 बार, 2 5 3 बार, 2 5 4 बार, 2 5 5, 2 5 6। देखो अब देखो ये तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 5 आया है, ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 2 आया है और 2 के बाद 5 तो आया ही नहीं, तो ये तो पेयर बनेगा ही नहीं, यानी कि जो कम वाला होगा वही पेयर बनेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, पेयर चाहिए, तो यानी कि पेयर कितना हो गया, 6। तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 6। सिंपल क्वेश्चन था, एक बार जोर डालना, नेक्स्ट जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। जैसे देखो फिर से इसको क्वेश्चन को करा देता हूं, फास्ट वे से कराता हूं, जैसे देखो आपके पास क्या है, देखो 12 है, 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 का मतलब क्या, 2 का क्यूब इंटू 3। उसी तरह 27, 27 में तो 2 और 5 आएगा ही नहीं, 63 में भी 2 और 5 नहीं आएगा, 113 में भी 2 और 5 नहीं आएगा, हमें 1250, 1250 को मैंने क्या लिखवाया था, अभी जस्ट आपको ब्रेक करके लिखवाया था क्या, 5 पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 1। देखो 5 पे पावर 4 कितना हो गया, तुम सोचो 625, 625 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना हो गया, 1250, ठीक है। और उसी तरह 24, 24 में मैंने बताया था क्या, 24, देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, 24, 24 का मतलब 8, 8 इंटू 3, 2 का क्यूब इंटू क्या, 3। उसके बाद 650 है, 650 को मैंने क्या लिखा था कि क्या लिख सकते हैं 650 को, आप ध्यान दो 650 को हमने क्या ब्रेक किया था,
हमने ब्रेक किया था कि 13 × 5 का स्क्वायर इंटू क्या 2^1। देखो 13 × 5 = 65 और 65 × 10 में ये हो गया, बस इतना ही करवाया था। उसके बाद मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ 2s लिख लो, नंबर ऑफ 2s, 2s की दो कितनी बार आया, तो देखो दो, दो के बाद एक 3, 3 के बाद 3 6 और 6 और 1 7। नंबर ऑफ 5s मैंने बोला था लिख लो 5s, 5 कितनी बार आया है, तो देखो 4 बार यहाँ पे आया, 4 और 2 6। मैंने बोला था जो दोनों में कॉमन होगा पेयर, यानी 2 और 5 का पेयर चाहिए, तो 2 और 5 का पेयर कब बन सकता है, कितना पेयर बन सकता है, 6। जो कम वाला होगा उतना ही पेयर बनेगा, तो 6, और यही कहलाता है क्या, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कहे कि नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या, अगर हिंदी में बोलें तो शून्यों की संख्या, तो वो कितना हो जाएगा, 6। ये तो रहा बेसिक क्वेश्चन, इस पे आगे वेरिएशन टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन कर रहा है गुणनखंड के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब मल्टीप्लाई इतना किया हुआ है तो इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। आप सोचो, हमें मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ जीरोज के लिए कोई भी एक जीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5 का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन। 2 का भी चाहिए और 5 दोनों का क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन। तुम सोचो 5 तो हमें मिल रहा है, देखो 1, 3, 5, 7 ये ऑड नंबर चल रहा है ना, ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या, विषम संख्या का प्रोडक्ट चल रहा है, विषम संख्या का मल्टीप्लाई चल रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से, और कहां तक जा रहा है, 99 तक। तो देखो तुम सोचो इसमें तो कोई सम संख्या आ ही नहीं रही है, सम संख्या तो आ ही नहीं रही है। जब सम संख्या आएगी ही नहीं तो क्या, दो पांच, तो एक तो 5 नंबर ऑफ 5s तो आ गया कि एक बार आया 5, उसके बाद 25, वो ऐसे तो ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन नंबर ऑफ 2s तो मिलेगा ही नहीं। 2s के लिए क्या चाहिए, इवेन नंबर। जैसे देखो अगर 4, देखो ना ही 4, 2 आए तो 4, 8 तभी तो 2 आए, यानी विषम संख्या इवेन नंबर आएगी तभी तो 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, 4 भी नहीं दिखेगा, 6, 8 मतलब सम संख्या तो आएगा ही नहीं, जिसको बोलते हैं इवेन नंबर। जब इवेन नंबर आएगा नहीं तो नंबर ऑफ 2s मिलेगा ही नहीं, जब 2s मिलेगा ही नहीं तो पेयर बनेगा ही नहीं, इन दोनों का हमें पेयर चाहिए होता, जब पेयर बनेगा ही नहीं तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो शून्यों की संख्या कितना हो गया, कोई आएगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज डायरेक्ट 0। अगर फिर से एक बार समझा देता हूं आपको, देखो जीरोज के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, 2 और 5 चाहिए। देखो 5 तो मिलेगा, 5 के बाद देखो 5 के बाद यहां पे देखो 15 भी मिल जाएगा, और ऑड नंबर ही मिलेगा, 15 पे भी 5 मिल जाएगा, 25 पे भी 5 मिल जाएगा, क्योंकि जाना कहां तक, 99 तक। लेकिन इस क्वेश्चन में कभी 2 का पेयर मिलेगा ही नहीं, 2 का पेयर मिले, 2 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 के लिए कभी भी किसी भी, जैसे देखो 8 है तो इवन नंबर चाहिए, तभी तो 2 का क्यूब चाहिए। अगर कोई भी इवन नंबर जब तक नहीं आता तब तक क्या, 2 मिलेगा ही नहीं, यानी कि 2 और 5 का पेयर कभी बनेगा ही नहीं, जब 2 मिलेगा ही नहीं तो पेयर बनेगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपको 0। ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम्स के प्री में और रेलवे में भी आसानी से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। अगर आप यूनिट डिजिट पढ़े होंगे, Part 1, Part 2 नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, वहां पे मैं ऑलरेडी फैक्टोरियल करा चुका हूं, अगेन फैक्टोरियल करा देता हूं। फैक्टोरियल को इस तरह से भी सिंबल लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल को इस तरह से एक्सप्लेनेशन का भी सिंबल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब, जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n इंटू इससे कम n-1, फिर इससे कम n-2, और कहाँ तक ऐसे चलते चले जाएंगे, 1 तक। यानी कि अगर मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल की बात, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5, इससे कम 4, इससे कम 3, इससे कम 2 और इससे कम 1। इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और जब जहां तक है 5 वहां तक ले जाएंगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, दोनों तरह से लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे, 5 के 20, 20 + 60, 60 × 120, 120।
और पूरा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, फैक्टोरियल के डिटेल्स जाना है तो फैक्टोरियल का मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में थोड़ा सा डिटेल्स दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। इसका मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बात करता हूँ 6 फैक्टोरियल की, तो 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × कहाँ तक, जब तक ये जहाँ तक है वहाँ तक जाता है 6। यहाँ तक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ गए, ये तो चलो ठीक है, समझ गए कि आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात आती है, देखो अब बात आती है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे इस टाइप्स के आएंगे, इसीलिए मैं ये चीज़ करा रहा हूँ। देखो 6 फैक्टोरियल है ना, 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, वहाँ तक ले जाते हो। देखो 6 × ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 5 फैक्टोरियल है ना, देखो 5 फैक्टोरियल ही है, तो इसको लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या तो 6 × 5 × देखो यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक क्या है फैक्टोरियल 4, ये भी लिख सकता हूं, ये भी 6 फैक्टोरियल का ही मीनिंग है। ये तो समझ में आ रहा, लिखना तो ये सिखा चुका हूं आपको, पार्ट वन और पार्ट टू में लिखना सिखा चुका हूं। अब बात आती है इस पे फैक्टोरियल में कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लो 124 फैक्टोरियल है, 124 फैक्टोरियल है, इसमें क्वेश्चन कह देगा कि देखो इसमें कहेगा कि नंबर ऑफ पावर ऑफ 5, यानी कि हिंदी में बोलें तो अगर आपसे क्वेश्चन की कितनी बार 5 की पावर कितनी बार आएगी, 5 का घात इसमें नंबर ऑफ घात मतलब कि कितनी बार 5 का घात आएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दे लो। तो देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी फैक्टोरियल आ जाए ना, जैसे देखो कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को जो पावर, देखो मान लेता हूँ n फैक्टोरियल है और कितना k पावर तक ले जाना है, तो इसको कब तक ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं n बाई, देखो पहली बार क्या करेंगे n बाई k करेंगे, उसके बाद ये, और ये जो सिंबल होता है ना, इस सिंबल को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हिंदी मेरे को नहीं पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी मतलब आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, बताऊंगा जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये सिंबल ब्रैकेट वाला मत समझ लेना कि ये बड़ा ब्रैकेट है जिसको बोलते हैं लार्ज ब्रैकेट, नहीं, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एन डिवाइडेड बाई अब क्या करेंगे के स्क्वायर, प्लस एन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे के क्यू करेंगे, प्लस एन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे के फोर करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि एन से के छोटा ना हो, मतलब कि जैसे आपको बताता हूँ कि k पे पावर k जो है ना, n कब तक ले जाएंगे, यहाँ कब तक ले जाएंगे, जब तक कि k वाला चीज़ बड़ा ना होने लगे। अगर k बड़ा हो जाएगा तो वहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और ये चीज़ क्या कैसे समझ में आएगी वो चीज़ मैं बताऊँगा जब एग्जांपल के थ्रू। तो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर आप 11th 12th पढ़े होंगे ना अच्छे से, तो वहाँ पे दो चीज़ पढ़नी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा पढ़ना था लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 5.105, तो मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि ये वाला दशमलव के बाद वाला को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। जैसे 2.15 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो सिर्फ ये वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यही मतलब है। जैसे 5.375 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये ब्रैकेट को ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे बोलना, तो इसका मतलब क्या कि ये 5 सिर्फ ये लिखा जाएगा, मतलब नंबर्स लिखा जाएगा, डेसिमल के पॉइंट्स वाले को हम इग्नोर कर देंगे। आगे डिटेल्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं डिस्कस करें, हमने बेसिक चीज आपको मीनिंग बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब बात आती है, देखो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि क्वेश्चन के थ्रू क्या मीनिंग है। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन वही चीज आ गया कि फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेनिंग इन 124 फैक्टोरियल, 124 फैक्टोरियल में 5 की पावर निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन वही दिया हुआ हिंदी में,
कि 124 में 5 की उच्चतम घातों की संख्या कितनी होगी। देखो तो मैंने बताया था ना कि ये एन फैक्ट, इसको ट्रीट क्या करेंगे एन फैक्टोरियल की, और जो पावर है उसको क्या ट्रीट करेंगे के फैक्टोरियल की। तो अभी मैंने इस तरह से बताया था, देखो हम क्या करेंगे, एन एन कितना है 124 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 5, दूसरी बार क्या करेंगे 124 डिवाइडेड बाई क्या 5 का स्क्वायर, तीसरी बार क्या करेंगे 124 डिवाइडेड बाई क्या 5 का क्यूब। अब देखो 5 का क्यूब कर सकते हैं या नहीं करेंगे ये सोचो। देखो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला, देखो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, मैंने बोला था ऊपर वाले से नीचे वाला ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां ज्यादा हो रहा है वहीं पे कट कर दो, वहां के आगे बढ़ना ही नहीं, यानी यहां से आगे बढ़ना ही नहीं, ये कट कर दोगे। ठीक है, इसका मैं आपको शॉर्ट अप्रोच भी बताता हूं, लेकिन मैं बता ही रहा था कि आपको बेसिक की नीड जरूरी है, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि मेंस, जब तक मेंस के लिए आपके पास इवरी चीज की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। तो आप सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, कि दशमलव वाला तो होना ही नहीं चाहिए, ओनली फॉर क्या चाहिए ये, यानी कि हमें चाहिए, अगर मैं 5 का भागा, देखो 124 में दे रहा हूं, तो देखो 5 दूनी 10 कैंसिल, 2 4 5 चौके 20, यानी सिर्फ हमें चाहिए क्या, सिर्फ हमें ये चाहिए कोसेंट चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या भागफल। क्योंकि अगर मैं फिर यहां पे दशमलव लिखता, दशमलव फॉर एग्जांपल दशमलव लिखूं तो यहां पे 0 आएगा, तो 24.5 8 40, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए दशमलव तो निगलेक्ट हो जाता है, यानी सिर्फ जो भागफल आएगा वही चाहिए, यानी कि कितना हो जाएगा ये 24। अब देखो 25 का भागा 124 में करना है, ठीक है 25 का भागा 124 में करना है, तो क्या करोगे 25 चौके 100, क्योंकि 25 5 125 हो जाता है, 25 चौके 100, हमें ये इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या इससे मतलब है, तो कितना हो जाएगा 4। यहां तक समझ में आ गया, यानी कि इसमें लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कितना हो गया 24, और 4 कितना हो गया 28। सिंपल था, समझ में आ गया। फिर से अब क्यों मैं, देखो क्यों मैं सिर्फ ये ले आऊं, क्योंकि फिर यहां पे दशमलव देखो, फिर यहां पे आएगा तो दशमलव वाला पॉइंट तो हट ही जाता है, सिर्फ हमें चाहिए कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है भागफल चाहिए। ठीक है, इसका यही ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मतलब यहां पे ये था, ना कि वो सोल्व करने वाला लार्जेस्ट ब्रैकेट, नहीं, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन इस मेथड को हम क्या करेंगे, एवॉइड करेंगे, एवॉइड करेंगे, बिकॉज कि हमें हर जगह इस तरह से करना नहीं है, हम इसका शॉर्ट अप्रोच करेंगे, और शॉर्ट अप्रोच बहुत ही आसान है, वो भी इसी से जनरेट किया गया है, इसीलिए मैंने आपको लॉजिक बताया, अदरवाइज लॉजिक बचाने का कोई मतलब नहीं बनता था। जैसे देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, दोनों मेथड से आपको बता देता हूं। मेथड वन क्या है, मेथड वन यही है कि 124 है, फैक्टोरियल 124 है, उसमें क्या चाहिए हमें 5 का घात चाहिए, कितना बार 5 आएगा, तो 124 को 5 से पहली बार इस तरह से करेंगे, फिर क्या करेंगे 124 को हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, बट फिर मैंने बोला था 124 को 5 का क्यूब नहीं कर सकते, बिकॉज कि ये 125 हो जाएगा, ऊपर वाले से ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने बोला था सिर्फ भाग दो, जो भाग आएगा, सिर्फ हमें चाहिए भागफल, कोसेंट से मतलब है, रिमाइंडर से नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यानी कितना हो गया 28, और ये कहाँ से आया है मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम यूज करेंगे शॉर्ट अप्रोच, कौन सा यूज करेंगे वो चीज बताता हूं। शॉर्ट अप्रोच क्या यूज करेंगे, कि हमें 124 फैक्टोरियल है, ठीक है 124 फैक्टोरियल है, इसमें हमें 5 का घात चाहिए, तो हम सिर्फ 5 से इस तरह से भाग देंगे, और भाग देंगे तो हमेशा देखो, अगर मैं भाग देना स्टार्ट करूं, जैसे देखो 5 से 124 को भाग दूंगा, सिर्फ हमेशा भागफल लिखूंगा, रिमाइंडर हम यूज नहीं करेंगे। तो 5 का भाग करो, तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दूनी 10 25 हो जाएगा, 5 चौके 20, बस इतना ही, हमें रिमाइंडर से नहीं मतलब है, जैसे मतलब मैं क्या किया हूं 124 है, तो 5 दूनी 10 कैंसिल, 2 4 5 चौके 20, हमें रिमाइंडर से नहीं मतलब है, सिर्फ हमें भागफल से है। फिर इसको क्या करेंगे हम, फिर 5 से भाग देंगे, जब तक भाग देंगे जब तक कि नीचे भाग ना जाने लगे, मतलब ये 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, पूरा कटाना नहीं हमें, सिर्फ क्योंकि देखो 5 से भाग 24 में करना है, तो 5 चौके 20, हमें रिमाइंडर से नहीं मतलब है, रिमाइंडर को लेना ही नहीं है। अब क्या 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा ही नहीं, 5 से भाग नहीं ना जाएगा तो नहीं भाग करेंगे। और देखो
ऊपर वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के जिससे भाग दे रहे हैं, बाकी जो नीचे से स्टार्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको छोड़ के बाकी जो होगा उसको ऐड कर देंगे, तो 24 4 कितना हो गया 28। देखो कितना आसान है, इस मेथड और इस मेथड में फर्क नजर आया। जैसे देखो एक बार फिर से समझाता हूं, क्योंकि इसके बाद सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट आएंगे। इसीलिए देखो क्वेश्चन क्या करा है, 124 फैक्टोरियल है, इसमें 5 का घात चाहिए, तो 5 का घात चाहिए, तो 5 दुनी 10, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो मैंने बोला था इस वाले को जिससे स्टार्टिंग में था उसको छोड़ के बाकी को क्या कर दो, ऐड कर दो, इसको ऐड कर दोगे, 24 और 4 कितना हो गया 28, तो यानी कि इसमें लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कितना हो गया, लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कितना हो जाएगा 28। बस ये चीज याद रख लेना। और 124 फैक्टोरियल का मतलब ही बता चुका हूं कि क्या होता है, 124 से स्टार्ट करो, एक कम करते चले जाओ, और कहां तक लिखोगे, 1 तक, ये फैक्टोरियल का मीनिंग है। समझ में आया, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पे हमें जिस चीज से मतलब था ये चीज हम यूज करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 270 फैक्टोरियल है, देखो 270 फैक्टोरियल है, इसमें कह रहा है कि पावर ऑफ 3 चाहिए, 3 कितनी बार आएगा, पावर ऑफ 3 लार्जेस्ट पावर, यानी कि 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात कितनी होगी। सेम क्वेश्चन 270, एक सेकेंड मैं इरेजर कर दूं, 270 है, 3 से भाग करूं, जिस पावर से बात करूं, 3 से भाग करूं तो कितना हो गया, 3 × 27 90 हो गया, फिर 3 से भाग करूं तो 30, फिर 3 से 10, फिर 3 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, अब फिर 3 से करेंगे क्योंकि फिर 3 है, जब तक कि भाग जाना बंद हो जाए, अब तो 1 आ गया तो भाग नहीं जाएगा। और मैंने बताया था, क्या आपको बताया था, कि ऊपर वाले को छोड़ दो, बाकी सारे को क्या कर दो, ऐड कर दो, यही बताया था ना आपको, बाकी सारे को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो 90 30 120 120 10 130 130 3 133 और 1 कितना हो गया 134, यानी कि 270 फैक्टोरियल में 3 का घात कितनी बार आएगा, 3 का घात 134 बार आएगा, 134 टाइम्स आएगा, यानी 134 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, देखो क्या कर रहा है, अब इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कह दिया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 दैट कैन बी ऑब्टेंड बाय, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है हिंदी वाले स्टूडेंट, निम्नलिखित में 2 की उच्चतम घात करो, देखो ये चीज दिया हुआ है, मैंने 22 फैक्टोरियल का मत, देखो अब आपको देख के ये 1 × 2 × 3 22 तक आपको पता चल रहा है कि ये 22 फैक्टोरियल है, क्योंकि देखो 22 फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या करूंगा, 22 × 23 × 24 कम करते जाते हैं ना घात, देखो 22 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 22 × 21 × 20 × कहां तक जाएगा, 1 तक, या इसी को उल्टा भी लिख सकते थे, मैंने बताया था कि 1 × 2 × 3 × कहां तक, 1 से स्टार्ट करो और 22 है तो 22 तक, वही चीज किया हुआ है ना, देखो 1 से स्टार्ट किया गया है 22 तक, देखो 1 से स्टार्ट किया गया है 22 तक, यानी कि ये रियल में है क्या 22 फैक्टोरियल, एग्जामिनर आपको इस तरह से दिया था कि आप समझ ना पाओ। अब ये बताओ यही क्वेश्चन तो आ गया ना, 22 फैक्टोरियल में 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार आएगा, लार्जेस्ट पावर 2 कितनी बार आएगा, तो देखो वही चीज है, 22 है, इसको 2 से भाग करना है, कितना बार में जाएगा 11, फिर 2 से भाग करूं तो कितना बार में जाएगा 2 × 5 = 10, फिर 2 से भाग करूं तो 2 × 2 = 4, फिर 2 से भाग करूं तो 2 × 1 = 2, और मैंने बोला था ऐसे कि क्या ऊपर वाले को छोड़ दो बाकी को क्या कर दो ऐड कर दो, तो 11 × 5 कितना हो गया 16 16 × 2 = 18 और 1 = 19, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको कितनी बार आएगा 22 फैक्टोरियल में 2 की पावर 2 का घात कितनी बार आएगा 19 बार आएगा, और 19 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 दैट कैन बी ऑब्टेन, आपको दिख चल रहा कि 1 2 3 4 कहां तक गया 42 तक, यानी ये क्या दिया हुआ है 42 का फैक्टोरियल, यहां तक समझ में आ गया, निम्न में 5 के उच्चतम घातों की संख्या ज्ञात करनी है, ये आपको पता चल रहा है ना कि 42 फैक्टोरियल है, 42 फैक्टोरियल में किसका घात चाहिए 5 का घात चाहिए, यानी 42 लिख दो 5 से भाग करो, 5 से भाग करो 5 × 8 = 40, हमें सिर्फ क्या चाहिए भागफल चाहिए, 5 से भाग करो तो 5 × 1 = 5, बस यहीं तक जाएगा, उसके बाद तो जाएगा नहीं। तो अब देखो इसको मैं इस बोला था ऊपर वाले को छोड़ के बाकी को ऐड कर लो, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, और 9 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यही चीज आपको बताया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि 777 है,
ट्रिपल सेवन का फैक्टोरियल है, देखो फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ सेवन दैट कैन बी एक्जैक्टली डिवाइड बाई ट्रिपल सेवन का फैक्टोरियल। ट्रिपल सेवन का फैक्टोरियल में सात का उच्चतम घातों की संख्या, यानी कि ट्रिपल सेवन का फैक्टोरियल है इसमें सात का घात चाहिए, तो बस भाग दे दो, सेवन 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 में क्या सात का भाग करेंगे तो वन वन वन, फिर सात में भाग करूंगा तो सात इकाई सात, और ये कितना बचा, चार जीरो फोर फोर्टी वन बचा, तो फोर्टी वन को भाग करूंगा सात से, तो सात दूनी चौदह सतवा अठे छप्पन नहीं सत्तर उनचास नहीं सात पाँचे पैंतीस पंद्रह बार में हमें सिर्फ भागफल, और नहीं समझ में आता तो सात का भाग देखो एक सौ ग्यारह में कर लो, सात इकाई सात चार वन सात पाँचे पैंतीस, हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ क्या भागफल, यानी जिसको बोलते हैं कोसेंट। फिर सात से भाग करूं तो सात दूनी चौदह दो बार में चला जाएगा, अब तो भाग जाएगा नहीं तो अब छोड़ देंगे, जहां पे भाग रुक जाएगा हम छोड़ देंगे, ऊपर वाले को छोड़ के मैंने बोला था ऐड कर लो, बस यही करना ही था, ऊपर वाले को छोड़ को क्या करना है ऐड करना है। तो देखो अब ऐड करने के लिए 111 यानी 110 और 10 कितना हो गया, मैं ऐड अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ऐड कर दिखाता हूँ, 110 और 10 120 120 5 1 6 2 8 128 आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना, इस तरह से पाँच दो सात एक आठ एक एक दो और एक 128 आप किसी तरह ऐड कर लेना, ऐड एडिशन और सबस्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, ठीक है। तो इस तरह से 128 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यानी इस फैक्टोरियल में सात का घात कितनी बार आएगा, 128 बार आएगा, 128 क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन का लेवल वन बाई वन बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे देखो अब बात आती है आपसे, देखो अब हम हमारा जो मेन टॉपिक था ना नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो का खेल आपको अब स्टार्ट हो रहा है, और मैंने बोला था कि हर खेल के पीछे आपको लॉजिक बताऊंगा, जैसे मैंने आपको सारा कुछ पहले से ही ये जितना भी खेल खेल रहे थे, जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, ये इस टाइप्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन कि हमारे पास दिया हुआ है 10 फैक्टोरियल, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बेसिक्स चीज समझाता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट अप्रोच लेके जाऊंगा। 10 फैक्टोरियल है ना, 10 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, सबसे बड़ी चीज मैंने बोला था वन से स्टार्ट करो लिखना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यही तो 10 का फैक्ट है। अब हमें चाहिए इसमें क्या, नंबर ऑफ जीरो चाहिए, नंबर ऑफ जीरो चाहिए। नंबर ऑफ जीरो के लिए मैंने क्या बोला था कि दो और पांच का कम्बिनेशन चाहिए, दो और पांच का कम्बिनेशन, वो भी पेयर के फॉर्म में। तो आप देखो दो कितनी बार आया है और पांच कितनी बार आया है, ये हम चेक करेंगे। तो देखो दो यहाँ है, इस चार को मैं लिख सकता हूँ दो का स्क्वायर, इस छः को लिख सकता हूँ, हमें सिर्फ दो से मतलब है ना, तो दो इंटू थ्री, ठीक है। इस सात में तो कोई दो नहीं है, आठ में दो का क्यूब, नौ में तो तीन थ्री का स्क्वायर, नौ से मतलब ही नहीं क्योंकि दो और पांच से, हमें सिर्फ दो और पांच से मतलब है ना। देखो दस को लिख सकता हूं दो इंटू क्या पांच। अब देखो अब इसमें मैंने वही सेम चीज, नंबर ऑफ टू एस चाहिए टू एस, और नंबर ऑफ क्या चाहिए नंबर ऑफ फाइव एस, जो मैंने फर्स्ट एक दो क्वेश्चन के साथ लेके चला था। तो देखो नंबर ऑफ टू एस क्या चाहिए, देखो एक बार दो यहाँ पे कुछ दो लिखा हो, दो का मतलब क्या पावर वन, यानी एक यहाँ पे आ गया, हम दो दो की बात कर रहे हैं, दो तीन तीन और एक चार, चार तीन सात और एक आठ, यहां तक समझ में आ गया। नंबर ऑफ दो एस कितनी बार आया, आप समझ गए कि कितनी बार आया, ठीक है, तो आठ आ गया। देखो फिर से देख लेते हैं, चार को मैंने ब्रेक कर दिया दो का स्क्वायर, छह को ब्रेक कर दिया दो इंटू थ्री, आठ को ब्रेक कर दिया टू का क्यूब, ठीक है। तो एक दो तीन और तीन एक चार, दो छह और एक सात, सॉरी सात ही आएगा ना, देख लेते हैं, एक यहां पे दो तीन, तीन एक चार, चार तीन सात और एक आठ, नहीं आठ आएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ फाइव एस, फाइव एस काउंट करें तो देखो फाइव एस कितनी बार आया है, फाइव एस एक यहां पे फाइव आया है, एक यहां पे फाइव आया है, दूसरा फाइव कहां पे आया है यहां पे, यानी दो बार आया है। नंबर ऑफ फाइव एस कितना हो गया दो, और मैंने बोला था हमें जीरोज के लिए क्या चाहिए, दो और पांच का क्या चाहिए पेयर चाहिए, पेयर कितनी बार बनेगा, जो कम रहेगा उतनी बार बनेगा, पेयर कितनी बार बनेगा दो, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया दो। आंसर क्यों मैं दो, क्योंकि दोनों में पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, दोनों में क्या कॉमन रहेगा, दो ही बार, दो जो कम वाला रहेगा वो कॉमन हो जाए, ठीक है।
ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आपके पास 10 रुपए है, किसी के पास 5 रुपए है, दोनों में कॉमन क्या है? तो 5 रुपए दोनों के पास है ना, भले ही तो आपके पास 10 रुपए, अगर कॉमन की बात करें तो दोनों में क्या हो जाएगा? पेयर 5 ही है ना, ठीक है? तो वही सेम चीज अप्लाई यहां पे। लेकिन क्या हम हर क्वेश्चन को इतना लंबा मेथड से करेंगे? नहीं, आपको मैंने बेसिक मीनिंग बताया, बेसिक मीनिंग वही है। अब देखो आप एक चीज यहां से रियलाइज करो, कोई भी फैक्टर या फैक्टोरियल आता है, फैक्टोरियल में क्या हमेशा नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ 2s क्या आ रहा है? बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बार आ रहा है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2s कितना बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। और नंबर ऑफ 5s कितने बार आ रहा है? 2 आ रहा है। और हमें आंसर में क्या चाहिए? जो कम बार आएगा उसी को हम सोल्व कर लें। जैसे देखो नंबर ऑफ 5s था तो 5s लिख लिया, 5 जितनी बार आया था वही आंसर आ रहा है। यानी कि इससे एक चीज निष्कर्ष क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये लिख रहा है कि जो कम बार आएगा, देखो जो कम बार आएगा, कम बार आएगा उसी को केवल सोल्व कर लें, उसी को सोल्व कर लें, और वहीं सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? वहीं आंसर हो जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ, अगर हम 2 को ना सोल्व करते, सिर्फ नंबर ऑफ 5s लिख देते, नंबर ऑफ 5s कितनी आ रहा है? 2, क्योंकि नंबर ऑफ हमें पता है कि हर जगह 2 2 2 ज्यादा बार आ रहा है, तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं, केवल 5 देख लेते कि 5 कितनी बार आया है, 5 2 बार आया, तो इसका आंसर क्या हो जाता? ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसको बेसिक अप्रोच से ले चलते हैं, बेसिक नहीं शॉर्ट अप्रोच। शॉर्ट अप्रोच एक लाइन में आंसर आता है शॉर्ट अप्रोच से। शॉर्ट अप्रोच क्या चाहिए हमें? 10 के फैक्टोरियल में क्या चाहिए? नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या चाहिए। जीरोज के लिए क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 का पेयर कॉम्बिनेशन चाहिए। अब हमें पता है ना कोई भी फैक्टोरियल होगा, 10 होगा, 5 होगा, 3, देखो कोई भी फैक्टोरियल होगा, मान लो कि 10 है, 100, देखो 10 फैक्टोरियल है, 100 फैक्टोरियल है, 1000 फैक्टोरियल है, या 20 फैक्टोरियल है, 80 फैक्टोरियल है, 35 फैक्टोरियल है। तो अपने से सोचो कि हम चेक करेंगे इसमें क्या चेक करेंगे, कितनी 2 कितनी बार आएगा? 2 जो कम बार आएगा, 2 और 5 में जो कम बार आएगा उसी से हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ पावर की वाला निकालते थे वही सेम अप्लाई कर देंगे। जैसे देखो ये 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल में अभी मैंने इसको सोल्व कराया था बेसिक मेथड से, तो नंबर ऑफ 2 कितना आया था? ज्यादा आया था, 8 टाइम्स आया था। यानी हमें पता चल रहा है देख के ही कि इसमें 2 बहुत बार आएगा, कि हर हर 2 बहुत बार आएगा, तो सिर्फ हमें 5 से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 10 सेम कि जो 5 से भाग देते थे 5 से भाग दे, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। यानी ये जो 2 आ गया, मैंने बोला था ऊपर वाले को, मैंने बोला था ना जैसे उसमें पावर वाले में कटवाता था, ऊपर वाले काट दो और नीचे वाले को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो आगे है ही नहीं, तो 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है? कैसे, क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल में 2 बहुत बार आएगा, और 2 और 5 चाहिए हमें, 2 बहुत बार आएगा तो हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 5 चेक कर लेंगे। तो 5 चेक करने के लिए पावर ऑफ 5 वाला क्वेश्चन हो गया, 10 को क्या करो 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, इसके बाद तो भाग जाएगा नहीं। मैंने बोला था ऊपर वाला को छोड़ दो, बाकी को ऐड कर लो, तो बाकी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 2। एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में आपको 2 और 5 चाहिए, मैंने बोल, अब इसमें देख के ही पता चल रहा है कि 2 कितनी बार, बहुत ज्यादा बार आएगा। कैसे? क्योंकि 100 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। अब तुम सोचो हर एक दूसरे टर्म पे, देखो हर एक, जैसे देखो यहां से दूसरा टर्म, फिर इसके बाद एक छोड़ो दूसरा टर्म, फिर एक छोड़ो दूसरा टर्म, यानी हर एक दूसरे टर्म पे क्या आ रहा है? 2 का कॉमन आएगा ना, 2 6 4 6 8 10 इस तरह से, तो 2 बहुत बार आएगा तो हमें 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ 5 कम बार आएगा तो 5 से मतलब है। यानी 100 का भाग किसमें देंगे? 5 का, फैक्टोरियल वाला हो जाएगा क्वेश्चन। 20 फिर 5 का करेंगे तो 4, अब देखो भाग तो जाएगा नहीं, तो मैंने बोला, और हमेशा सिर्फ लिखते क्या है भागफल, भागफल का मतलब क्या, कोसेंट लिखते हैं, रिमाइंडर नहीं लिखते हैं, याद रख लेना, क्योंकि बेसिक मैंने बताया था क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, और मैंने बोला था कि इस ऊपर वाले को काट दो बाकी ऐड कर देना, तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 100 फैक्टोरियल में? नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएगा, यानी 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें तो नंबर ऑफ जीरो कितना बार आएगा? 124। कैसे करेंगे? 100 को क्या करेंगे,
चेक हमेशा करना पड़ेगा, दो और पांच में से कौन ज्यादा आ रहा है, तो पांच से भाग कर लें, तो पांच से भाग करेंगे तो 20, ये तो आइडिया मिल ही जाता है, क्योंकि हर दो दो चाहिए, दो के लिए क्या चाहिए, दो चार छः आठ दस, क्योंकि हर एक इवेन नंबर पे हर एक सम संख्या पे दो ही आएगा, इसीलिए ज्यादा बार इतनी बार आएगा तो हम पांच से चेक करेंगे, पांच से कर लें, पांचों के 20 भाग नहीं जाएगा, ऊपर वाले काट दें, इनको क्या कर लें ऐड कर लें, तो कितना हो गया 24, 24 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो गया। तो ये रहा आपको नंबर ऑफ जीरोज के बेसिक, प्री लेवल के क्वेश्चन तक तो आ गए, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में मेंस लेवल के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको देखना नहीं भूलना है, मेंस लेवल के क्वेश्चन तक जाना है, दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट वन ये रहा और पार्ट टू नेक्स्ट करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन करेंगे वो मेंस के क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो से हेल्प मिलती है तो कमेंट्स जरूर करें, और रियल में आपको मेरे चैनल को फॉलो करना है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चले, क्योंकि मैं इस वजह से करा रहा हूँ कि आपके प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।